तो साउथ अफ्रीका T20 और IL T20 के बाद साल 2023 में तीसरी T20 लीग की शुरुआत होने वाली है, जहां पर एक बार फिर से IPL की कई फ्रेंचाइजीज इन्वॉल्व हैं। हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में शुरू होने वाली मेजर लीग क्रिकेट लीग ऑफ 2023। और इसको लेकर के अगर मैं आप जानना चाहते हो कि ये मैचेस कब से शुरू होंगे, कौन सी टीम किसके आमने सामने होगी, कहां पर ये मैचेस खेले जाएंगे, भारतीय समय अनुसार क्या टाइम होने वाला है, क्या नियम है, क्या रूल्स हैं, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो करके रखी है। आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने आपको उस समय जितने प्लेयर ड्राफ्ट हुए थे इन देयर रिस्पेक्टिव टीम्स उसके बारे में बताया था और यह वादा किया था कि जब सभी टीम्स अपनी अपनी स्क्वाड कंप्लीट कर लेंगी तो एक और वीडियो हम आपके सामने लेकर के आएंगे, और हमने वो वादा पूरा किया। अब काफी सारे लोग MLC के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि कल तक खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग हुई है और कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी भी हमें MLC में खेलते हुए दिखाई देंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। कुछ लोग ने पहले ही वीडियो बना करके रखी हुई थी, बट आई थॉट कि जब थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना ज्यादा सही रहेगा। तो इस वीडियो में हम सभी टीमों की स्क्वाड्स पर नजर डालने वाले हैं और देखेंगे कि कौन सी टीम सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले अगर शुरुआत करें वॉशिंगटन फ्रीडम की स्क्वाड से, तो यहां पर मोइसेस एनरिकेस को उन्होंने अपना कप्तान बनाया है, और उसके अलावा एडम मिल, अकील हुसैन, जोशुआ फिलीप, मार्को येंसन, ग्लेन फिलिप्स जैसे खिलाड़ी इस टीम में हैं, और काफी सारा लोकल टैलेंट भी इस टीम में है। अनरक नॉर्खिया भी इनके पास हैं, और वनिंदु हसरंगा के रूप में एक बहुत ही कमाल का स्पिनर भी इनके पास है, यानी कि नॉर्खिया हो गए, मिल हो गए, आपके मार्को येंसन हो गए, वनिंदु हसरंगा हो गए, तो एक अच्छा बॉलिंग यूनिट, एक अच्छा फास्ट बॉलिंग यूनिट भी इन्होंने तैयार किया है। उसके साथ साथ जोशुआ फिलीप और ग्लेन फिलिप्स के रूप में इनके पास दो अच्छे विकेट कीपर भी हैं। हालांकि बल्लेबाजी में मोइसेस एनरिकेस को छोड़कर के कोई ऐसा बहुत बड़ा नाम फिलहाल इनके पास नहीं है, अकील हुसैन इनके पास जरूर हैं। तो अच्छी गेंदबाजी यूनिट वॉशिंगटन फ्रीडम ने तैयार की है, और ये देखने में थोड़ा सा नजर भी आ रहा है कि अपनी गेंदबाजी पर बहुत ज्यादा काम किया है। लेकिन जैसे IPL में होता है कि आपका जो लोकल टैलेंट होता है वो किस तरीके से परफॉर्म करता है, उस पर टीम की किस्मत बहुत डिपेंड करती है, और वॉशिंगटन फ्रीडम हो गई या तमाम सारी टीमें हो गई, उनको भी अपने लोकल टैलेंट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। वहीं अब अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की सिस्टर टीम यानी कि लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स की तरफ अगर हम चले, तो यहां पर हमें KKR से जुड़े हुए या नाइट राइडर्स फैमिली से जुड़े हुए कुछ बहुत ही फेमिलियर फेसेस देखने को मिलेंगे, जहां पर आंद्रे रसल के साथ होंगे सुनील नारायण, जेसन रॉय, लोकी फर्गसन, उसके अलावा मार्टिन गप्टिल, एडम जैम्पा, राइली रोसो, अली खान इनके साथ हैं, उन्मुक्त चंद को देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं, सैफ बदर इनके पास हैं, अली शेख भी इनके पास हैं, और जसकरन मल्होत्रा के रूप में भी एक बहुत ही टैलेंटेड लोकल खिलाड़ी इस टीम के पास है, यानी कि अच्छा एक्सपीरियंस और यूथ का मिक्सचर इस टीम के पास है। सबसे ज्यादा जैसे मैंने बताया मैं उन्मुक्त चंद को देखने के लिए एक्साइटेड हूं। एक समय पर ही वॉज टाउटेड एज द नेक्स्ट विराट कोहली। 2012 में भारतीय टीम ने U19 वर्ल्ड कप जीता था उनकी कप्तानी में, बट उसके बाद उनका करियर उस तरीके से प्रोग्रेस नहीं कर पाया। ही स्कोर्ड अ फैंटास्टिक 100 इन द फाइनल ऑफ द U19 वर्ल्ड कप एज वेल, बट देखना होगा कि अब उनके इस नए करियर के नए पड़ाव की शुरुआत किस तरीके से होती है। लेकिन फिलहाल जेसन रॉय हो गए, मार्टिन गप्टिल हो गए, राइली रोसो हो गए, उन्मुक्त चंद हो गए, तो एक बहुत ही टॉप और हैवी टीम ये दिखाई दे रही है। उसके अलावा आंद्रे रसल हो गए, लोकी फर्गसन इनके पास हैं, सुनील नारायण इनके पास हैं, तो अच्छा गेंदबाजी यूनिट जमा करने का काम भी इस टीम ने किया है। वहीं नाइट राइडर्स की तरह ही MI फैमिली की एक और टीम भी दुनिया हिलाने के लिए तैयार है, और यहां पर भी हमें MI की टीम से जुड़े हुए काफी सारे फेमिलियर फेसेस देखने को मिलेंगे, जहां पर कायरन पोलार्ड के साथ होंगे ट्रेंट बोल्ट, राशिद खान, टिम डेविड, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड वीजे, कागिसो रबाडा, निकलस पूरन, जेसन बहरेंडोर, उसके अलावा लोकल खिलाड़ियों में इनके पास सरबजीत लड्डा होंगे, शहदीप गणेश होंगे, जसदीप सिंह हैं, हम्माद आजम हैं, तो काफी अच्छी फॉर्मिडेबल स्क्वाड, इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड इन्होंने तैयार की है, और जो इंटरनेशनल क्रीम है ना इनके पास वो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। पोलार्ड हो गए, उसके अलावा बोल्ट हो गए, उसके अलावा आपके पास राशिद खान हो गए, तो तीन बहुत ही एक्सपीरियंस गेम चेंजिंग प्लेयर आपके पास मौजूद हैं। डेविड वीजा के रूप में एक अच्छा एक्सपीरियंस ऑलराउंडर भी आपके पास है। उसके बाद बल्लेबाजी की तरफ अगर आप झांको तो निकोलस पूरन इस टीम के पास हैं, डेवाल्ड ब्रेविस इस टीम के पास हैं, तो लेफ्ट हैंडर, राइट हैंडर, स्पिन हिटर, पेस हिटर, तमाम चीजों को इन्होंने काउंटर करके रखा हुआ है, और
एमआई से यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग लेस। एक फॉर्मिडेबल स्क्वाड इन्होंने तैयार की है और मैं अभी भी होपफुल हूं कि अगर कायरन पोलार्ड आईएल टी20 हो गया, उसके बाद ये एमएलसी हो गया, इसमें ताबड़तोड़ खेल अगर दिखा दें तो आईपीएल 2024 में थोड़ा सा एक बार फिर से आप किसी प्लेयर को बाहर करके ट्रांजिशन कर सकते हो पोलार्ड का इन द मुंबई इंडियंस स्क्वाड, बट दैट इज अ थिंग ऑफ द फ्यूचर। लेकिन फिलहाल एमआई न्यूयॉर्क एक बहुत ही कमाल की स्क्वाड दिखाई दे रही है। उसके बाद अगर हम चले सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स की स्क्वाड की तरफ तो ताबड़तोड़ ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड खिलाड़ियों को साइन करने के साथ साथ इन्होंने दो बहुत ही बड़े पाकिस्तानी सुपरस्टार्स को भी साइन कर लिया है। फटाफट से अगर इनकी स्क्वाड देखें तो यहां पर एरन फिंच के साथ मार्कस स्टोइनिस, लुंगी एनगीडी, कोरी एंडरसन, लियम प्लंकेट, मैथ्यू वेड, उसके अलावा फिन एलन, शादाब खान, समित पटेल, कैस अहमद, हारिस राउफ, मैकेंजी हार्वी और अमीला अपोंसो जैसे खिलाड़ी इस टीम में शामिल किए गए हैं। यानी कि अगर आप देखो तो मार्कस स्टोइनिस कोरी एंडरसन के रूप में दो बहुत ही एक्सपीरियंस ताबड़तोड़ ऑलराउंडर्स इनके पास हैं। एरन फिंच हो गए, फिन एलन हो गए, उसके रूप में दो बहुत ही तगड़े टॉप ऑर्डर बल्लेबाज इस टीम के पास हैं। लियम प्लंकेट के रूप में भी एक बहुत ही एक्सपीरियंस टी20 खिलाड़ी है। वहीं शादाब खान पाकिस्तान के वाइस कैप्टन इन द टी20 फॉर्मेट और हारिस राउफ के रूप में भी एक बहुत ही ताबड़तोड़ खिलाड़ी, एक बहुत ही उच्च कोटि का गेंदबाज इस टीम के पास है। यानी कि जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उनको अच्छा सा ड्राफ्ट करने का काम यहां पर किया है। टीम की गाड़ी एक बार फंसती है लोकल खिलाड़ियों की तरफ कि लोकल खिलाड़ी किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आपको 5 लोकल प्लेयर्स भी अपने प्लेइंग 11 में शामिल करने हैं, तमाम इंटरनेशनल खिलाड़ियों को आप नहीं खिला पाओगे। और मेरा ऐसा मानना है कि मार्कस स्टोइनिस इस टीम के सबसे बड़े एक्सपेक्टर होंगे, बट रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग इस टीम में हमें एंटरटेन करने की काबिलियत बहुत ही ज्यादा है। वहीं ऐसे टी20 के बाद अब एक और लीग में चेन्नई सुपर किंग्स की फ्रेंचाइजी ने दहाड़ना थोड़ा सा ज्यादा शुरू कर दिया है और फाफ डुप्लेसी एक बार फिर से हमें येलो जर्सी में खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आईपीएल में भले ही थोड़ा सा साथ छूट गया हो बट ही हैज ऑलवेज बीन द मैन इन येलो और टेक्सास सुपर किंग्स की कप्तानी भी वो हमें करते हुए दिखाई देंगे और थोड़ा सा फेमिलियर रुख अपनाया है टेक्सास सुपर किंग्स की टीम ने भी। अगर आप देखो तो कप्तान फाफ डुप्लेसी के साथ यहां पर मिचेल सैटनर, डैनियल सैम्स, डेविड मिलर, जेराल कोजिया, ड्वेन ब्रावो, रस्टी थेरोन जैसे खिलाड़ी हैं। उसके अलावा लोकल टैलेंट भी इनके पास बहुत ज्यादा है, जिया अहमद, मोहम्मद मोहसिन, समी असलम, मिलिंद कुमार, लाहिरू मिलंथा जैसे खिलाड़ी भी इस टीम के पास हैं। तो अगर आप इनकी स्क्वाड देखो तो एक चीज आपको साफ दिखाई देती है, थोड़े से उम्र दराज इंटरनेशनल खिलाड़ी, चाहे फाफ डुप्लेसी की बात करो, आप ब्रावो की बात करो, कॉनवे की बात करो, और थोड़ा सा ऐसे खिलाड़ी जो कि आपकी बैटिंग डेप्थ बढ़ाए, समबडी लाइक अ डैनियल सैम, समबडी लाइक अ मिचेल सैटनर। तो बैटिंग डेप्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है सुपर किंग्स की कोई भी फ्रेंचाइजी हो, चाहे वो चेन्नई सुपर किंग्स हो, चाहे वो जोबर्ग सुपर किंग्स हो या फिर आपकी टेक्सास सुपर किंग्स। तो ये सभी टीम्स जो है बैटिंग डेप्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं। फाफ डुप्लेसी की फॉर्म अगर वो आईपीएल से कंटिन्यू करते हैं तो वन मैन आर्मी बनने के लिए वो काफी ज्यादा उच्च कोटि के बल्लेबाज हैं। लेकिन उसके साथ साथ डेवन कॉनवे और डुप्लेसी किस तरीके से ओपनिंग शुरुआत करते हैं वो देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं, बिकॉज डुप्लेसी का एक थोड़ा सा रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे डेवन कॉनवे इन द चेन्नई सुपर किंग्स और अब इस लीग में हमें दोनों साथ खेलते हुए दिखाई देंगे। जेराल्ड कोजिया को देखने के लिए मैं एक्साइटेड रहूंगा और टेक्सास सुपर किंग्स एक बार फिर से विसल पोड़ू कर सकती है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के ओनर की फ्रेंचाइजी यानी कि सिएटल ऑर्कास ने सबसे कम इंटरनेशनल या बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स को साइन किया है, आप कह सकते हो। यहां पर क्विंटन डिकॉक के साथ हमें वेन परनाल, दसुन शानका, सिकंदर राजा जैसे खिलाड़ी दिखाई देंगे और पाकिस्तान से इस टीम ने इमाद वसीम को साइन किया है और वेस्ट इंडीज से शिमरॉन हेटमायर को भी ये अपने पाले में लेकर के आए हैं। यानी कि डिकॉक हो गए, हेटमायर हो गए, ये दो सबसे बड़े टी20 के सुपरस्टार आपकी टीम में रहेंगे। उसके अलावा दसुन शानका से थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ये टीम चाहेगी, वेन परनाल से थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ये टीम चाहेगी। इमाद वसीम को ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, नए बॉल से गेंदबाजी करेंगे, थोड़ी बहुत बल्लेबाजी करके देंगे। उसके अलावा कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार फिलहाल इस टीम में नहीं है और सिएटल और कास जैसी जो टीमें होती हैं पेपर पर सब इनको थोड़ा सा डिस्कार्ड कर देते हैं और ऐसी ही टीम्स खास करके जब लीग शुरू होती है तो सबको सरप्राइज कर देती हैं। 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने सरप्राइज किया था सभी को। उसके बाद अभी जो SA20 हुआ था उसमें आपकी ईस्टर्न केप सनराइजर्स ने सबको सरप्राइज कर दिया था, बड़ी बड़ी टीमों को धराशायी करते हुए उन्होंने ट्रॉफी जीती थी। तो सिएटल
और कास को हल्के में लेना यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं होगा, और जिस टीम में डिकॉक हो, हेटमायर हो, उसको आप हल्के में ले भी नहीं सकते। तो MLC 2023 की छह टीमों की स्क्वाड मैंने आपके सामने रखी, और 13 तारीख से ये लीग शुरू हो रही है, यानी कि हमारे भारत में 14 तारीख की सुबह पहला मैच खेला जाएगा बिटवीन लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स एंड टेक्सास सुपर किंग्स। अभी थोड़ा सा जबान लड़खड़ा जाती है इन टीमों का नाम लेने में, क्योंकि अभी भी हमारे जुबान पर जो है चेन्नई सुपर किंग्स और KKR रटा हुआ है। तो कभी अगर भूल चूक से किसी वीडियो में निकल जाए तो भैया माफ कर देना, लेकिन आप ये बताओ कि क्या आप इस लीग को देखने के लिए सुबह सुबह का अलार्म लगा के उठोगे, और आपके हिसाब से कौन सी टीम सबसे ज्यादा मजबूत है, कौन सी टीम सबसे ज्यादा हल्की है, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप ओवरऑल इस लीग से, क्योंकि तीसरी बड़ी लीग इन द सेम ईयर, आपको ये अंदेशा हो जाना चाहिए कि क्रिकेट किस तरफ जा रहा है, जो कि हम इस चैनल पर लगातार बात करते हैं। तो फटाफट से कॉमेंट बॉक्स को अपने ओपिनियन से भर डालिए, लेकिन उससे पहले मेक श्योर क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि इतना मजेदार एनालिसिस और अपडेट्स आपको कहां देखने को मिलेगा। अगर आप ऑनेस्ट हो तो आप जानते हो, so stay tuned and I will see you soon in the next video.